हेलो दोस्तों, मैं फिजिक्स इस लॉच में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पार्टिकल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पार्टिकल फिजिक्स एलिमेंट्री पार्टिकल स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके, लिंक मैंने ऊपर दे दी है, वो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब तक तो हमने सिर्फ ऐसा देखा था कि क्या क्या पार्टिकल्स है, उसका क्वार्क मॉडल क्या होता है, वो सब हमने देखा था। लेकिन हम उसको ऐसे रहने दे सकते, ठीक है। वो हमने सब फाइंड किया तो कुछ तो काम आएगा। वो क्या काम आएगा, तो हम उसको एक्सेलरेट करवाएंगे, ठीक है। वो सभी प्रोसेस हैं, वो हम काम उसका एक्सेलरेशन करके उसको अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि पार्टिकल एक्सेलरेशन के लिए मैंने कौन कौन से पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया था। तो पार्टिकल्स हमारे ये वाले थे, जिसमें न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, मेसॉन, न्यूक्लियॉन्स, हाइप्रॉन्स, बेरियॉन, ठीक है। ये सभी हमारे पार्टिकल्स थे। तो ये सबको हम क्या करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है। तो एक्सेलरेशन करवाने के लिए देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो पार्टिकल एक्सेलरेट्स ऑपरेट्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल दैट अ चार्ज्ड पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे चार्ज्ड पार्टिकल को, तभी वो क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। मेनली दो एक्सेलरेटर है, एक तो है लीनियर और एक है साइक्लिक। यहाँ पे देखिए, शेप के अकॉर्डिंग दो टाइप के है पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन, एक है लीनियर और दूसरा साइक्लिक। लीनियर में तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टिव और रेजोनेंस, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन वैसा तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए हम आज साइक्लिक एक्सेलरेटर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो साइक्लिक एक्सेलरेटर है वो सिंपली ऐसा कुछ होता है, सिलेंडर जैसा, ठीक है। उसके अंदर ये सब अंदर एक्सेलरेटर रखे हुए होते हैं। वहाँ यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं, इसको भेजते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे एक्सेलरेट होके ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसका लीनियर एक्सेलरेटर है। साइक्लिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम सर्कल में मूव करवाएंगे और उससे हम उसको एक्सेलरेट करवाएंगे, और उससे हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी उसके हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे, ओके। तो हम साइक्लिक से स्टार्ट करने वाले हैं। साइक्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला वाला है वो बीटाट्रॉन है। तो बीटाट्रॉन क्या होता है, बीटाट्रॉन है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, बीटाट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, बीटा पार्टिकल्स है, इसलिए हम इसको बीटाट्रॉन बोलते हैं। ये जो बीटाट्रॉन है वो मैक्सिमम 300 MeV जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए, ओके। ये इसका मेन इंट्रोडक्शन है कि इतना ऐसा होता है। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल, बीटाट्रॉन में हम अलग अलग थ्री तरीके देखेंगे, थ्री उसका वे में जाएंगे कि सबसे पहले उसका प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बीटाट्रॉन कंडीशन, क्योंकि मेन बीटाट्रॉन कंडीशन ही है। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल क्या है, उसका बीटाट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बीटाट्रॉन कंडीशन, ये कंडीशन ऊपर वर्क करता है, ओके। तो इसकी कंडीशन तो बहुत लंबी है, तो ये उसका मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे पहले तो उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी मेन कंडीशन क्या है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेलरेटेड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाए कैसे, सर्कुलर ऑर्बिट में, वो भी कैसे, कॉन्स्टेंट रेडियस से, तो द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शुड बी, ठीक है, मतलब कि उसके मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इन सच वे दैट एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑर्बिट इज जस्ट 1/2 द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द ऑर्बिट, ओके। आया समझ में, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको
उसको अगर हम नॉन यूनिफॉर्म देते हैं, उसको नॉन यूनिफॉर्म ही देना पड़ेगा, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑर्बिट की वो हाफ हो जाएगी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सिंपली ये जो है एक सिलेंडर जैसा है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेंडर को घुमा दिया है, वो पूरा सर्कल बन गया है, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ बाहर खाली जगह है, अंदर है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जगह दी हुई। यहाँ पे एक सर्कल इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल जाए, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्यूब है, ठीक है, एक्सेलरेट करवाने के लिए, तो ये डी शेप का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डोनट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इज हाईली एक्साइटेड इन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इन हाईली इवेक्यूएटेड ट्यूब डी, इसको क्या बोलेंगे हम, डोनट, इसको डोनट भी बोलते हैं। इसमें मेन कंडीशन क्या है कि अगर बीटाट्रॉन मतलब कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अगर स्मॉल हो, थोड़ी एनर्जी हो, तो ये जो ट्यूब हम इसको ग्लास से बनाएंगे, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्लास से करेंगे, ये जो इवेक्यूएटेड ट्यूब है इसको ग्लास से कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसकी एनर्जी लार्ज है, मतलब के फोर लार्ज बीटाट्रॉन, हम क्या करेंगे, सिरामिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोग को। यहाँ पे इंजेक्टर यूनिट है, यहाँ से इंजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ पे, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये सब क्या काम करेंगे वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। ये जो फिलामेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के बाद फिलामेंट आएगा, उसके बाद देखिए ये जो है आगे, ये है ग्रिड, ठीक है, और ये स्टेबल ऑर्बिट है किसकी, इलेक्ट्रॉन की स्टेबल ऑर्बिट है। ये प्लेट है, ठीक है, उसका थोड़ा सा ऐसा कवर जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। सो ये जो बीटाट्रॉन है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ होता है, तो स्पेशली शेप्ड कुछ पीसीस है, पोल पीसीस इलेक्ट्रोमैग्नेट के, उसके ऊपर ये पूरा प्लेस किया हुआ होता है, ओके। अभी देखिए इसका पूरा वर्किंग समझिए, ये वर्क कैसा करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना, इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि मेन तो हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन तो लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएंगे, इंजेक्टर यूनिट से आएंगे, इलेक्ट्रॉन गन से, ओके। इलेक्ट्रॉन गन से जब आएंगे तब यहाँ से ये पूरा इंजेक्ट होके इलेक्ट्रॉन गन थ्रू फिलामेंट में आएंगे। अभी फिलामेंट में आए तो फिलामेंट क्या करेगा, तो ये पूरे के पूरा एनर्जेटिकली थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन करके, मतलब कि पूरा उसको गर्म करके और उसको पूरा एनर्जी ज़्यादा देके वो यहाँ से बाहर निकालेगा फिलामेंट। फिलामेंट जब बाहर निकाला, उसके बाद ग्रिड की बारी आई, ठीक है। ग्रिड क्या करेगा, फोकस करेगा, ग्रिड क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक है। एक बार जब ग्रिड ने फोकस कर दिया, फोकस करने का मीनिंग क्या है कि वो अगर बहुत ही लार्ज नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो फोकस करके वो वहाँ से भेजेगा। उसके बाद ये प्लेट देख रहे हो आप लोग, ये प्लेट किसकी है, प्लेट है हमारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नेगेटिव है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करके जल्दी से यहाँ पे उससे भी ज़्यादा एनर्जी से ये यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से एक्सेलरेट करना चालू करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे घूमने लगेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है जैसे ही अंदर आए वैसे ही ये घूमने लगे और स्टेबल ऑर्बिट इसकी बन गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ये एक्सेलरेट तो करेंगे लेकिन डैम्पिंग करके, ठीक है, फिर थोड़ा धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, धीरे धीरे उसका डैम्पिंग कम होगा, ठीक है, उसके बाद स्टेबल ऑर्बिट में वो आएगा। स्टेबल ऑर्बिट में जब आएगा तब उसका जो रिवोल्यूशन है वो कितना होगा, तो 1/200 सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हो कितनी छोटा टाइम है, ठीक है, ओनली 1/200 सेकेंड में ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो हम देते हैं उससे ये उस इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है वो सेवरल 100,000 times रिवोल्यूशन पर ऑर्बिट कर देता है। ऑर्बिट में ये सेवरल 100,000 रिवोल्यूशन कर देता है ओनली 1/200 सेकेंड में, ओके, आया समझ में। सो ये जो है इलेक्ट्रॉन
मेन तो क्या है, मस्ट मस्ट बी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है जब हम इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करें। ओके, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्टेबल ऑर्बिट बाय सेंडिंग अ पल्स ऑफ करंट थ्रू एन ऑक्सिलरी कॉइल। अभी स्टार्टिंग में तो ये स्टेबल नहीं होंगे, तो क्या करेगा ये, अपने जो स्टेबल ऑर्बिट से है उसमें से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने का कोशिश करेगा, जब तक ये स्टेबल नहीं है तब तक, ठीक है। तो क्या करेगा ये, एक तरह की ये पल्स क्रिएट करेगा, पल्स ऑफ करंट क्रिएट करेगा ऑक्सिलरी कॉइल से। ओके, तो ये इसका पूरा वर्किंग है, ये ऊपर का था, यहाँ तक इसका कंस्ट्रक्शन था, कैसे बना हुआ है, ये यहाँ ये कहाँ है, ये कहाँ है, वो सब आपको लिखना है, उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ तक पूरा कंस्ट्रक्शन है। ओके, अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इसका मेन फंक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसका मेन फंक्शन ये है कि टू प्रोड्यूस एन EMF विच इम्पार्ट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये एक तरह की EMF प्रोड्यूस करता है, और सेकंड वाला क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को मेंटेन रखना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना हमारा बेस्ट आइडिया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अभी यहाँ तक जो है हम क्या पढ़े, तो बीटाट्रॉन क्या है, ठीक है, ये किसके टाइप में आता है, तो साइक्लिक में आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो 300 MeV जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। बीटाट्रॉन किसके ऊपर वर्क करता है, बीटाट्रॉन कंडीशन पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा है, यह सब भी हमने देख लिया। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसके जो मेन कंडीशन बीटाट्रॉन कंडीशन उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे जितना पता होगा मैं आप लोग को तुरंत ही उसके बारे में पूरा बताऊँगी। ओके, तो थैंक यू।